मैं ना बच्ची थी जब मैंने स्टार्ट किया काम करना। सच बोले तो मुझे नहीं पता था कि क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी फिल्म्स के साथ में। फिल्म्स के साथ में कुछ एक्सपीरियंसेस जुड़े हुए हैं मेरे, जहाँ पे आई फेल्ट जेन्युइनली अनसेफ। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से लेकर मैंने सास बहू के ड्रामा तक सब किया है। जैसी मैं रियल लाइफ में हूँ, कस्तूरी बिल्कुल ऑपोजिट है। कि जब ये कैरेक्टर मुझे ऑफर हुआ तो एक नेगेटिव कैरेक्टर था। अगर विलन स्ट्रांग होगा तो ही हीरो अच्छा लगता। एक टाइम था जब मेरे पास बिल्कुल काम नहीं था। मर जाती तो मर जाती, किसी का क्या जाता था। हाय, आई एम हिमानी चावला और आप मुझे देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया पे। आज हमारे साथ है एक ऐसी मेहमान जिसे आपने दबंगी मुलगी आली रियाली में काफी सिंपल लुक में, घरेलू लुक में देखा है, लेकिन रियल लाइफ में काफी मॉडर्न है वो। तो चलिए आपको मिलाते हैं हिमानी चावला से और उनसे करते हैं कुछ गुफ्तगू। हेलो मैम, कैसी आप? हेलो, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सबसे पहले वेलकम ऑन फर्स्ट इंडिया। थैंक यू सो मच। लेकिन मैं ये कह रही थी कि बहुत ही सिंपल और घरेलू लुक नहीं है मेरा, बहुत ही चटपटा लुक है। आई वुड से दैट क्योंकि साड़ीज है, लेकिन साड़ीज बहुत ही अलग तरह से है, बहुत ही वाइब्रेंट लुक रहा है मेरा। सो आई डोंट से कि ये बहुत ही सिंपल लुक रही हूँ, लुक वाली हूँ। लेकिन जैसे रियल में आपको देखा जाए तो पहचानना काफी मुश्किल है। जिस तरह से आपका किरदार है उसमें काफी डिफरेंट है दोनों में, रियल और रियल लाइफ में। जी, ये तो फिर एक एक्टर के लिए ब्लेसिंग वाली बात हो जाती है कि अगर आप कैरेक्टर में अलग दिखते हैं और रियलिटी में अलग दिखते हैं तो मेरा रेंज बढ़ जाएगा, मतलब मुझे और अलग अलग कैरेक्टर्स में भी कास्ट किया जा सकता है ना। ठीक है, फिर और क्या चाहिए। कुछ अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए, किस तरह से चैलेंजेस है आपके कैरेक्टर में, जिस तरह से आप प्ले करिए काफी टफ है आपका रोल। जी, कस्तूरी का जो किरदार है, मैं आपसे यही कहूंगी कि बहुत ही डिफरेंट है मेरे कैरेक्टर से। जैसी मैं रियल लाइफ में हूँ, कस्तूरी बिल्कुल ऑपोजिट है हिमानी चावला से। कस्तूरी एक बहुत ही इनसिक्योर्ड वुमेन रही है, बहुत ही रेस्टलेस वुमेन रही है थ्रू आउट द जर्नी उसकी, मतलब शी इज ऑल ओवर द प्लेस। हमेशा घबराई घबराई घर में घूमती रहती थी, बिकॉज उसको लगता था कि कभी भी इसकी जगह ये उससे छिन जाएगी, बिकॉज ऑफ हर बैकग्राउंड ऑफकोर्स। जहाँ से वो आती है वो एक नाचने वाली थी, तो उसका उसके लिए इतने बड़े घर में आकर इतने बड़े घर की बहू बनना बहुत बड़ी बात हो गई। तो उसको हमेशा एक डर रहता था कि कभी भी ये मुझसे सब छिन जाएगा और मुझे वापस उस जगह पर जाना पड़ेगा, जो उसका इनसिक्योरिटी थी लाइफ में। लेकिन आफ्टर द लीप जो कैरेक्टर में चेंजेस आए हैं वो ये हो गए कि कस्तूरी इज़ वेरी काम राइट नाउ, शी इज़ एट अ काम प्लेस राइट नाउ। उसको उसकी जगह मिल गई है, उसको उसकी स्पेस मिल गई है, उसको पता है कि नाउ उसकी जगह उससे कोई छीन नहीं सकता है और शी इज़ वेरी सिक्योर्ड राइट नाउ। अब तो वो CM भी बनने जा रही है, तो ऑफकोर्स अच्छी जगह पर। जब आपके पास स्क्रिप्ट आई होगी तो आपने देखा होगा कि इस तरह से मेरा कैरेक्टर है, तो आपने उसके लिए फटाक से हाँ किया कि बहुत सोचा समझा कि मेरे ऊपर ये कैरेक्टर सूट करेगा, आगे चल के मेरे करियर पे इसका कुछ इफेक्ट ना पड़े? क्योंकि काफ़ी चैलेंजिंग जब होता है, बहुत स्टार कास्ट होते हैं, बहुत सोचते हैं कि इस तरह कैरेक्टर मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जी, पहला तो ये रहा कि जब ये कैरेक्टर मुझे ऑफर हुआ तो एक नेगेटिव कैरेक्टर था। मैंने हमेशा एक कॉप प्ले किया है, और कहते हैं ना वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से लेकर मैंने सास बहू के ड्रामा तक सब किया है। ग्रे शेड में जब आते हैं तो करेक्ट करियर के लिए हो जाता है ना कि आगे भी हमें ऐसे ही रोल मिलेंगे, करेक्ट लोग सोचते हैं। तो मुझे पहले ही लगा था कि मैं टाइपकास्ट हो जाऊंगी, कई लोग मुझे वो कमौलिका वाले जोन में ना ले जाएं। बट जब मैंने कैरेक्टर के बारे में सुना, जब हमारे मेकर्स से मैं मिली, जब मैंने उनसे सुना कैरेक्टर के बारे में किस तरह की है कस्तूरी, किस तरह वो हर चीज़ के साथ में हर चीज़ को डील करती है, मुझे बड़ा मज़ा आया सोचकर कि हाँ, अगर कुछ ऐसा करने को मिलेगा तो मज़ा तो आएगा। और जैसे मैंने इस कैरेक्टर को देखा, बिकॉज मुझे बहुत लोगों ने कहा अच्छा अब तो तू कमौलिका जैसी हो जाएगी, या तो अब तू तो एक TV की विलन जैसी होगी, मैंने इसको वैसे लिया नहीं। मुझे लगा कि मुझे जो प्ले करना है वो बहुत ही मज़ेदार तरीके से, मज़े लेते लेते इस कैरेक्टर को प्ले करना है। तो जब मैंने प्ले किया तो लोगों को बहुत अलग किरदार देखने को मिला, तो आई वुड से मैं कमौलिका नहीं कस्तूरी हूँ। नहीं, लेकिन बहुत बार ग्रे शेड में भी
आगे चल के लीप के बाद पॉजिटिव हो जाता है और ग्रे शेड पर बहुत लोग बहुत अच्छा पसंद भी करते हैं ऑडियंस, इनका स्ट्रांग होता है, जो लीड एक्ट्रेस होती है एक्टर होते हैं उनको भी बीट कर देती हैं, तो काफ़ी ऐसा मतलब बहुत लोग उसको बहुत पॉजिटिवली लेते हैं, काफ़ी लोग कहते हैं ग्रे शेड करेंगे तो फिर हमारे ऊपर एक धब्बा लग जाएगा कि उसी में करना है। नहीं मैं आई एम सॉरी मैं ऐसे नहीं देखती हूँ कि ग्रे शेड करेंगे तो धब्बा लग जाएगा, क्योंकि अगर विलन स्ट्रांग होगा तो ही हीरो अच्छा लगता है। अगर आपकी करेक्ट आपका एंटागनिस्ट अगर स्ट्रांग है ना तो आपकी प्रोटैगनिस्ट वैसे भी तभी स्ट्रांग दिखेंगे, अगर रावण नहीं होगा तो राम का क्या मतलब है। तो मैं ऐसे देखती हूँ कि जब, और ये किरदार है, ये हम प्ले कर रहे हैं, हम ऐसे हैं नहीं रियल लाइफ में, मैं थोड़ी आपको किसी चाल में फंसा कर आपको मारना चाहूँगी मतलब आई वुड नेवर डू दैट टू एनीवन। और जैसे कि कस्तूरी ने हमारी जो मेन लीड आर्या थी उसको गोली मारी, थोड़ी मैं रियल लाइफ में ऐसा करूँगी, ये कैरेक्टर है एंड कैरेक्टर्स को एंजॉय करना चाहिए हमेशा। लेकिन जो हमारी ऑडियंस है, सोशल मीडिया का ज़माना है, जो नेगेटिव किरदार होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी करते हैं, वो एकदम रियल से जोड़ के देखने, आपने देखा होगा कई ग्रे शेड होते होंगे तो अगर उनका नेगेटिव है उसमें उन्होंने कुछ किया ऐसा तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा उसी चीज़ को लेकर ट्रोल किया जाता है। मैं सच बोलूँ ट्रोलर्स तो ट्रोल करते ही हैं, मतलब चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मतलब मैं सच बता रही हूँ, मुझे इस कैरेक्टर के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी अच्छी बातें बोली हैं, मतलब ये बोला कि आप क्या खेलते हो, क्या मज़े लेके काम करते हो। तो अभी ऑडियंस भी ना बहुत स्मार्ट हो गई है, हमने इतने OTT स्पेस में देख रहे हैं हम लोग, इतना मतलब फिल्म्स देख रहे हैं, OTT देख रहे हैं, अलग अलग स्टोरीज देख रहे हैं, शॉर्ट फिल्म्स देख रहे हैं, जहाँ पर ऑडियंस बहुत समझदार हो गई है। अभी ऑडियंस वो वैसी नहीं रह गई है कि अच्छा ये इसने गोली मारी तो ये गंदी ही होगी या इसने ऐसा किया तो ये ऐसी ही होगी, वो समझते हैं कि हम किरदार प्ले कर रहे हैं। और यस अभी ऑडियंस वैसे नहीं देखती, और ट्रोलर्स का आई डोंट थिंक इतना उनको वैल्यू देना चाहिए, दे आर फेसलेस पीपल जो जिनको सिर्फ सुनो मत, ख़त्म। आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, जब आपने इंडस्ट्री में कदम रखा किस तरह से आपको ब्रेक मिला, कितने सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, कोई डार्क साइड भी आया होगा, बोलते हैं ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं तो काफ़ी बुरे वक्त भी आ रहे थे जो आज याद करते हैं तो काफ़ी बुरा लगता है। मैं ना बच्ची थी जब मैंने स्टार्ट किया काम करना, 15 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में, मैंने 15 साल पहले अपनी जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो सच बोले तो मुझे नहीं पता था कि क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, काम कैसे मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ मुंबई आई थी पैसे कमाने, मुझे इंडिपेंडेंट होना था, मुझे अपने बलबूते पर कुछ करना था। तो मैं जब यहाँ आई तो मुझे तब यही समझ में आया कि कुछ करते हैं, और काम मुझे ऑफर होता गया, धीरे धीरे काम मुझे सामने से मिलने लगा, मैंने ज़्यादा स्ट्रगल नहीं किया मेरे इनिशियल डेज में, बट काम करते करते फिर एक फेज ऐसा आया इवेंचुअली, एक टाइम था जब मेरे पास बिल्कुल काम नहीं था, मैं घर पे थी, कुछ काम नहीं कर रही थी, एक डार्क स्पेस में थी, आई एम सेइंग बिफोर कोविड, जो एक बुरा टाइम था मेरे लिए। बट यस हम लोग सब लोग कुछ ना कुछ स्ट्रगल करके, आई एम श्योर आपने भी बहुत लाइफ देखी होगी, आपने भी बहुत कुछ देखकर आप आगे आए होंगे, और स्पेशली वो लड़कियां जो इंडिपेंडेंट हैं, अपने घरों को छोड़ के आई हैं और जिनका कोई गॉडफादर यहाँ नहीं है, ये सिटी ऑफ ड्रीम्स आपको सब दिखा देती है। तो यस आई हैव सीन अ लॉट, बट यस आई एम स्टिल ब्लेस्ड कि लोग मुझे प्यार करते हैं, और स्टिल आई एम वर्किंग, एंड मैं बस यही चाहूँगी कि मैं अच्छा काम करती रहूँ, लोगों को पसंद आती रहूँ। चाहे बोलते हैं ना डार्क फेसेस आते हैं, तो कभी ऐसा होता है ना कि यार अब ये इंडस्ट्री छोड़ देते हैं, सेटल हो जाते हैं, शादी कर लेते हैं, या तो किसी और तरफ चले जाते हैं, किसी और फील्ड में करियर बनाते, कभी आपके दिमाग में ऐसा आया? मैं मरते दम तक ये इंडस्ट्री नहीं छोड़ूंगी कितने भी स्ट्रगल्स आए, कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, कितनी भी मुसीबतें आए, मैं यही रहूंगी, आई विल कंटिन्यू डूइंग माई वर्क, आई लव माई जॉब, आई लव एक्टिंग, और मुझे इसके अलावा सच बोलूँ कुछ और आता भी नहीं है तो यस
एक एक्टर को सब कुछ आता है. हाँ, लेकिन मैं मानती हूँ कि ये दिस इज़ माई हैप्पी प्लेस. एक्चुअली आई फील ये मेरी जगह है. दिस इज़ माई हैप्पी प्लेस. सो आई डोंट वांट टू क्विट एवर. आई जस्ट वांट टू आई वांट टू कीप वर्किंग. और अच्छे परफॉर्मेंसेस से आप सबका प्यार मिलता रहे, बस इतना ही चाहिए होता है. OTT का ज़माना है, काफ़ी वेब सीरीज भी आ रहे हैं, तो आप कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट वेब सीरीज में आपको देखे या बॉलीवुड की किसी फिल्म में? मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी फिल्म्स के साथ में. बट मैं ये बोलूँगी कि मुझे फिल्म्स वापस नहीं करने. दैट इज़ नॉट माई स्पेस. आई फील मैं थोड़ा अनसेफ फील करती आई हूँ उस जगह पर, और अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस रहे हैं. सो आई डोंट वांट टू गो टू फिल्म्स. येस, बट टीवी का तो बच्चा हूँ. टीवी तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, टीवी तो मैं करती ही रहूँगी. हाँ, लेकिन OTT स्पेस की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे टीवी एक्टर्स हैं जिन्होंने OTT में बहुत नाम कमाया है. टीवी में तो जितना अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं, लेकिन OTT में उससे भी ज़्यादा रियलिस्टिक परफॉर्मेंसेस दिए हैं, अच्छा काम किया है, अपना स्पेस बनाया है. जैसे कि रवि दुबे कह ले, या फिर रिद्धि डोगरा हो गए, वरुण सोबती असुर में जो अभी थे, तो ऐसे मोहित रैना, हमारी एक वेटरन एक्ट्रेस हैं शेफाली शाह जी, हसरतें सीरियल से उन्होंने शुरुआत की थी, टीवी से शुरुआत की थी, और आज देखिए वेब स्पेस में धमाल मचा रही हैं वो. मतलब मौनी रॉय भी होगी, ऑफकोर्स मौनी रॉय है, उन्होंने बहुत मेहनत की है. बट मैं वही बता रही थी कि दिल्ली क्राइम एक जैसा सीरीज उन्होंने हमें दिया है, तो बहुत सारे टीवी एक्टर्स हैं जो अब OTT में जा रहे हैं और अच्छा नाम कमा रहे हैं. तो मैं भी चाहूँगी कि वाई नॉट वो एक वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया जाए. वुड लव टू गो इन दैट स्पेस. यहाँ पर आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, आपने कहा कि फिल्म नहीं करना है, मुझे कुछ बैड एक्सपीरियंस क्या है ऐसा, थोड़ा आपके फैंस ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि टीवी से आपको बहुत प्यार है. लेकिन हाँ, लेकिन बहुत लोग होते हैं कि उनको बॉलीवुड में जाना ही रहता है, ड्रीम रहता है उनका. लेकिन आप एक ऐसी हैं जिन्हें नहीं जाना, जो करके आ चुकी हैं फिल्म, लेकिन वापस वहाँ नहीं जाना है, ऐसा क्यों? देखिए, मैंने फिल्म्स की, शॉर्ट फिल्म्स की, टीवी किया, एड फिल्म्स किए, सब किया, लेकिन फिल्म्स के साथ में कुछ एक्सपीरियंसेस जुड़े हुए हैं मेरे, जहाँ पे आई फेल्ट जेन्युइनली अनसेफ. तो मुझे लगता है कि जो जगह आपके लिए नहीं है और जिस स्पेस को आप पसंद नहीं करते हैं, आपको नहीं जाना चाहिए. आई वुड नॉट टेक नेम्स. मैंने कुछ फिल्म्स की जो रिलीज़ तक नहीं हुई, कुछ फिल्म्स की जो रिलीज़ हुई, लेकिन एक्सपीरियंस टीवी का अच्छा रहा है, और वेब का मैं चाहती हूँ कि एक्सप्लोर करूँ. मतलब टीवी इंडस्ट्री में देखा जाए ज़्यादा सेफ है एक्ट्रेस, लेकिन बॉलीवुड में उनके लिए थोड़ा ही सेफ्टी कम है. मतलब हो सकता है कास्टिंग काउच होता हो, कुछ इस तरफ आपका इशारा है. मतलब ये कुरेद कुरेद के बात निकालेंगे और कुछ नहीं है, तुमको चाहिए कुछ मसाला, कुछ नहीं मिलेगा मुझसे. बट यस, बहुत लोगों के शायद एक्सपीरियंस अच्छे रहे होंगे, मेरा नहीं रहा. और कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आई डोंट वांट टू डिस्कस आल्सो, सो इट्स फाइन, आई डोंट वांट टू गो देयर. रियलिटी शो का भी ज़माना है, बिग बॉस है, झलक दिखला जा है, खतरों के खिलाड़ी है, किस शो में जाना चाहेंगे आप? बिग बॉस को बहुत बड़ा माना जाता है शो की, करियर बन भी जाता है, कुछ लोगों के थोड़े बिगड़ भी जाते हैं. बिगड़ना बनना तो सब उसके हाथ में, अपने हाथ में नहीं है. लेकिन जैसे कि आपने बिग बॉस की बात करी कि बिग बॉस एक बहुत बड़ा शो है, मुझे लगता है बिग बॉस एक पर्सनैलिटी दिखाने का शो है, अपनी बात रखने का शो है, अपनी आवाज़ सही तरीके से सही जगह पहुंचाने का शो है. बट क्या एक्चुअली ऐसा है, मैं आपसे पूछती हूँ. मेरे हिसाब से अभी गेम इज़ डिफरेंट. लोग मतलब आपके कितने इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं, आप कितने बड़े टीवी के स्टार हैं, आप कितना बड़ा नाम है, आप कितनी ऑडियंस को खींच कर लेकर आ सकते हैं, अब इट इज़ ऑल अबाउट दैट. लेकिन हाँ, पर्सनालिटी की बात है, अगर जेन्युइनली पर्सनालिटी देखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि लोग किसी भी बात पे कोई लड़की निडर होके बोल सकती है, तो फिर कास्ट कर लो. तो कहा जाने लगा है कि स्क्रिप्टेड हो गया बिग बॉस भी, स्क्रिप्ट के हिसाब से जो अंदर होते हैं वो एक्ट कर रहे हैं. देखिए, मैं बिग बॉस में गई तो हूँ नहीं,
मैं अभी मतलब मैंने जितने लोगों से सुना, इट इज़ नॉट स्क्रिप्टेड, इट इज़ वेल एडिटेड शो. मतलब वो स्क्रिप्ट नहीं होती है. आपको एक पेपर नहीं मिलता जिस पे आपको ये डायलॉग बोलना है, फिर सामने वाला ये डायलॉग बोल के लड़ेगा. आई डोंट थिंक ऐसा होता है. बट रियलिटी शो में, किसी भी रियलिटी शो में, ऐसे सिचुएशंस खड़े करे जाते हैं जहाँ पर ह्यूमन अपनी पर्सनालिटी बाहर निकाल लाते हैं. तो वो सिचुएशन ऐसी दे देते हैं और फिर उसको अपने तरीके से एडिट कर लेते हैं. मसाला उनको भी चाहिए. ऑफ कोर्स सबको चाहिए, आपको नहीं चाहिए. कितनी देर से मुझसे पूछ रही है, बताओ 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 क्या हुआ क्या हुआ. एवरीबॉडी वांट्स मसाला. अब फैंस जानना चाहेंगे कस्तूरी अब किस शेड में नजर आएंगी, उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं, क्या क्या उन्होंने साइन किया है, किसी टीवी शो में ही नजर आएंगी या फिर वेब शो में नजर आएंगी. जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेब शो मैं डेफिनेटली करना चाहती हूँ. अभी तक मैंने कोई साइन नहीं किया. जिसको भी साइन करना है प्लीज़ आ जाओ. मैं आई एम रेडी टू वर्क. एंड अभी मैंने एक शॉर्ट फिल्म की है अमोल गुप्ते सर के साथ में और नमोशी चक्रवर्ती, जो मिथुन चक्रवर्ती के यंगर सन है, उनके साथ में मैंने अभी एक शॉर्ट फिल्म की है जो इस मंथ और प्रॉब्ली नेक्स्ट मंथ रिलीज़ होने वाली है. उसका नाम है बाहर आ चमन प्रकाश. तो वो एक शॉर्ट फिल्म अभी रिलीज़ होगी. एड्स तो चलते रहते हैं और बाकी जैसे जैसे मैं काम साइन करती जाऊंगी आपको बताती जाऊंगी. जब आप इंडस्ट्री में आई होंगी तो बोलते ना कहीं कहीं फैमिली सपोर्ट नहीं रहती है, लेकिन बहुत लोगों की फैमिली बहुत सपोर्टिव होती है. तो आपको फैमिली का कितना सपोर्ट मिला था? आई लॉस्ट माई डैड एट द वेरी अर्ली स्टेज. तो मम्मी ने हमेशा अच्छे से रखा है, हमें बहुत साथ दिया है. और मेरी मदर एक बहुत ही सॉलिड वुमेन है. एंड माई सिस्टर, शी इज़ मैरिड एंड हमेशा वो मेरे लिए मदर फिगर की तरह रहेगी. मेरा भाई बहुत अच्छा है, तो हमेशा उन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है और बहुत सपोर्ट दिया है. बिकॉज उनको मालूम है कि हमारी बच्ची कर लेगी, तो उन्होंने हमेशा एक बैकअप की तरह मेरे साथ रहे कि तू चलती चल, हम तेरे पीछे खड़े हैं. अच्छा, हिमानी का बचपन से सपना था इस इंडस्ट्री में आने का या कुछ और था बनना आपको? सच्ची बोलूँ, मैं बड़ी डम बच्चा थी यार. मुझे कुछ नहीं पता था मुझे क्या करना है. पंजाबी फैमिली की, दिल्ली की बड़ी सिंपल सी लड़की, जिसको ये भी नहीं पता था कि उसको लाइफ में करना क्या है. बट जब यहाँ आई तो मुझे बस इतना पता था कि ये जगह आई बिलोंग यू, मतलब ये मेरी जगह है. तो धीरे धीरे काम मिलता गया, काम करती गई और आगे बढ़ती गई और बस यही है जर्नी. और एक्टिंग का तो बाय चांस हुआ. सच बोलूँ एक्टर मैं बाय चांस बनी हूँ, कुछ प्लान नहीं था ऐसा. मिमिक्री बड़ी अच्छी कर लेती थी लोगों की, मतलब जो फैमिली मेंबर दिखता था उसको पकड़ के उसकी नकल उतार लेती थी. तो सबको लगता था कि ये तो ड्रामेबाज है. तो ड्रामेबाज हमेशा रही हूँ बट घर में रही थी, तो कभी पता नहीं था कि कैमरा के सामने जाके भी ड्रामा कर सकती हूँ. मिमिक्री करती किसी स्टार का, बॉलीवुड स्टार का कर सकती है मिमिक्री किसी एक? अच्छा ठीक है, वैसा वो अरे यार ज्यादा नहीं करेंगे, मतलब है ना, मर जाती तो मर जाती, किसी का क्या जाता था. बताइए कौन है ये? हम दिल दे चुके सनम देखी है? देखी है बट बहुत साल पहले. हाँ तो ऐसे बहुत सारे, बट आई नहीं करते आज, नहीं करते आज, छोड़ देते हैं. जितना भी किया बहुत अच्छा किया आपने. आपके शो के बारे में बात कर लेते हैं कि जैसे बोलते हैं ना सेट पर स्टार कास्ट होते हैं, काफ़ी अच्छी भी बॉन्डिंग होती है, किसी में कोल्ड वॉर भी रहता है. तो आप लोग के जो सेट का माहौल किस तरह का होता है? काफ़ी अच्छी आप लोग में बॉन्डिंग है क्योंकि बहुत सारे सेट से हम बहुत सारे इंटरव्यूज़ करते हैं तो अंदर ही अंदर कोल्ड वॉर भी रहता है, बट बहुत लोगों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी हो जाती है एक फैमिली की तरह. यार सच बताऊँ, हमने तो अभी 100 एपिसोड्स पूरे किए हैं, मतलब 6 महीने हुए हैं. ये कोल्ड वॉर्स ना आई फील शुरू होती हैं जब आप 4 साल 5 साल 10 साल साथ काम करते हो, तो फैमिलीज़ में भी हो जाती हैं, तो सेट पे भी, तो बहुत लाजमी सी बात है. बट अभी तक आई डोंट थिंक ऐसा कुछ ऐसे कुछ ग्रजेस किसी को किसी के लिए आए हैं. इनफैक्ट हम लोग साथ में बैठते हैं, साथ में लंच करते हैं, साथ में मस्ती करते हैं, रील्स बनाते हैं. तो मेरे को एक्टर्स तो मतलब जेन्युइनली बहुत अच्छे हैं. मैं सच बोलूँगी, आई एम ऑलवेज ब्लेस्ड विद गुड को एक्टर्स. मुझे हमेशा बहुत अच्छे को एक्टर्स मिले जिनके साथ में जब मैंने काम किया है, तो मुझे बहुत ही सपोर्ट, बहुत प्यार, बहुत अफेक्शन मिला है. सो नो कम्प्लेन्स, इसमें नो कम्प्लेन्स.
थैंक यू सो मच हिमानी हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके एक्सपीरियंस जान के. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो वेरी मच. एंड आप बहुत स्वीट है. थैंक यू.